नमस्कार दोस्तों, मैं सुकुमार आपका फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल एएसपी इन्फो हब में। दोस्तों, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके जल्द से जल्द। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो चंडीगढ़ जंक्शन और बांद्रा टर्मिनस के बीच चल रही है। दोस्तों, इस ट्रेन का नाम है चंडीगढ़ बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों, जब यह ट्रेन चंडीगढ़ जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस की तरफ जाती है तब इसका नंबर होता है 22452 और जब यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से चंडीगढ़ जंक्शन की तरफ जाती है तब इसका नंबर होता है 22451। दोस्तों, इस ट्रेन को चंडीगढ़ जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस की तरफ ले जाने का काम तीन तरह के लोकोमोटिव इंजन करते हैं, जिसमें सबसे पहला लोकोमोटिव इंजन है लुधियाना बेस्ड डीजल इंजन WDP-4D, दूसरा लोकोमोटिव इंजन है लुधियाना बेस्ड डीजल इंजन WDP-4B और तीसरा लोकोमोटिव इंजन है वडोदरा बेस्ड इलेक्ट्रिक इंजन WAP-7। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस ट्रेन में कौन कौन से कोच हैं। दोस्तों, इस ट्रेन के सभी कोच LHB रैक के हैं, 2 EOG कोच हैं, 4 सेकेंड सीटिंग के कोच हैं, 6 स्लीपर कोच हैं, 1 पेंट्री कार है, 6 थर्ड एसी के कोच हैं, 2 सेकेंड एसी के कोच हैं, 1 फर्स्ट एसी कम सेकेंड एसी का कोच है। टोटल दोस्तों इस ट्रेन में 22 कोच हैं। दोस्तों, यह ट्रेन चंडीगढ़ जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस के बीच का डिस्टेंस जो कि 1586 किलोमीटर का है 26 घंटे में पूरा करती है। इस बीच दोस्तों यह ट्रेन 23 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है और 289 इंटरमीडिएट रेलवे स्टेशनों पर नहीं रुकती है। दोस्तों, इस बीच इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 61 किलोमीटर पर घंटे की होती है और मैक्सिमम दोस्तों इस ट्रेन को 110 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भी चलाया जा सकता है। दोस्तों, यह ट्रेन चंडीगढ़ जंक्शन से बांद्रा टर्मिनस की तरफ हफ्ते में 2 दिन रविवार और बुधवार को जाती है। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं यह ट्रेन किन किन रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती है। जैसा कि दोस्तों, यह ट्रेन चंडीगढ़ जंक्शन से चलती है, फिर अम्बाला कैंट जंक्शन पहुँचती है, फिर करनाल पहुँचती है, फिर पानीपत जंक्शन पहुँचती है, फिर दिल्ली कैंट पहुंचती है, फिर गुड़गांव पहुंचती है, फिर रेवाड़ी जंक्शन पहुंचती है, फिर नारनौल पहुंचती है, फिर नीम का थाना पहुंचती है, फिर श्री माधोपुर पहुंचती है, फिर रिंगास जंक्शन पहुंचती है, फिर फुलेरिया जंक्शन पहुंचती है, फिर अजमेर जंक्शन पहुंचती है, फिर मारवाड़ जंक्शन पहुंचती है, फिर फलना जंक्शन पहुंचती है, फिर आबू रोड पहुंचती है, फिर पालनपुर जंक्शन पहुंचती है, फिर महेसाना जंक्शन पहुंचती है, फिर अहमदाबाद जंक्शन पहुंचती है, फिर आनंद जंक्शन पहुंचती है, फिर वडोदरा जंक्शन पहुंचती है, फिर भारूच जंक्शन पहुंचती है, फिर सूरत पहुंचती है, फिर बोरीवली पहुंचती है और फिर अपने डेस्टिनेशन स्थल बांद्रा टर्मिनस पहुंच जाती है। तो दोस्तों, इस ट्रेन की जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद आइए देख लेते हैं इस ट्रेन की स्पीड। दोस्तों, इस वीडियो में आपने इस ट्रेन के जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना और इस ट्रेन की स्पीड को देखा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस ट्रेन के टाइम टेबल और किराए की जानकारी नहीं दे रहा हूं क्योंकि दोस्तों किराया कभी भी घटिया बढ़ सकता है और टाइम टेबल कभी भी चेंज हो सकता है। और दोस्तों, जैसा कि यह कोरोना का समय चल रहा है तो यात्रा के लिए स्टेशन पर आने से पहले अपने ट्रेन के आने की जानकारी अवश्य ले लें और आप यह जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर ले सकते हैं और अपनी ट्रेन के आने का कंफर्मेशन मिलने के बाद ही स्टेशन पर आएं और यात्रा के दौरान मास्क अवश्य पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें और अपनी यात्रा को सावधानी पूर्वक पूरा करें। तो दोस्तों, आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन पहुंच सके जल्द से जल्द। धन्यवाद दोस्तों।